हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का नोट्स दिखाने वाला हूँ और इसके एप्लीकेशंस भी दिखाएंगे आपको, जैसे में वह एथिलीन और 1,3-बुटाडाइन, साइक्लोबुटाडाइन, इसके एप्लीकेशन है। तो आपको इस वीडियो में पूरे इसके नोट्स दिखाएंगे हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के, और यह MSc के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इससे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और उसका एक एप्लीकेशन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप पेज नंबर 2 है, और पेज नंबर 3। यह क्वेश्चन जो है हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से हर साल पूछा जाता है, व्हाट इज हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, और इसका एक एप्लीकेशन पूछा जाता है। ये हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी आपसे एग्जाम पूछा जाता है, और अब इसके एप्लीकेशन, इसके बाद आप इसके एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन आप हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फॉर पाई सिस्टम, जो हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी होती है वह मेनली पाई कंटेनिंग सिस्टम के लिए होती है, जैसे एथिलीन, 1,3-बुटाडाइन और साइक्लोबुटाडाइन, जिसमें पाई बांड इन्वॉल्व होता है। हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी उसी पे लागू होती है। तो ये आप देखेंगे एग्जाम में, तो व्हाट इज हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पूछा जाता है और उसका साथ में एक एप्लीकेशन। तो हम आपको यहाँ पर एथिलीन, साइक्लोबुटाडाइन और 1,3-बुटाडाइन का नोट्स दिखाएंगे। चलिए देखिए, एकदम ईजी वे में हमने लिखा है इसको। यदि आप इसके पहले हमने जो दिखाया उसको अच्छे से रीड करते हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज। बहुत ही इजी वे में हमने इसको ड्राइव किया है। है बहुत लंबे लंबे इसके डेरिवेशन, लेकिन एक दो बार आप अभ्यास करेंगे तो इजी हो जाएंगे। यह आपका एथिलीन के लिए जो है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आइए 1,3-बुटाडाइन, आप एथिलीन में भी ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते थे, हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया और एथिलीन में नहीं बनाया था।
और यह 1,3-ब्यूटाडाइन का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं। और आपको दिखाते हैं आप साइक्लोब्यूटाडाइन का। साइक्लोब्यूटाडाइन जो है, इस जो 1,3-ब्यूटाडाइन हमने दिखाया वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वह बहुत पूछा जाता है। और साइक्लोब्यूटाडाइन तो ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ तक हकल मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।